साथियों नमस्कार, मैं हूं कालू माली, आप जुड़े हो मेरे चैनल से। साथियों ये तस्वीरें मैं अभी आपको दिखा रहा हूं, कलेक्ट्रेट के बाहर की तस्वीरें दिखा रहा हूं। ये ग्रामीण आए हैं जमीन के विवाद को लेकर, ये मुस्लिम समाज के लोग हैं जिन्होंने, इनकी ज़मीन है, इन्होंने आरोप लगाया है कि मेघवाल समाज के लोग जो खेती कर रहे हैं हमारी ज़मीन है। तो ये ग्राम तहसील से आए है, तो गटरा रोड तहसील से आए हैं ये ग्रामीण, तो इनसे बात करेंगे, पूरा मामला इनसे जानेंगे। ये पहले आपको मैं ये तस्वीरें दिखा लेता हूँ एक बार। ये करीबन 30 से 40 लोग कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुँचे हैं, इनकी समस्या है। ये मुस्लिम समाज के लोग हैं, इनकी ज़मीन है, इन्होंने आरोप लगाया है मेघवाल समाज के लोग हमारी ज़मीन की खेती कर रहे हैं, तो उसको लेकर ये ज्ञापन देने आए हैं। तो इनसे बात भी करेंगे, इनको पूरा मामला इनसे जानेंगे। कल क्या हुआ है? शाम मेरा नाम सलादीन है, पुत्र हाजी मेदली, गांव जीने की बस्ती है कि मेरे मामू ही अमर है, इनकी पुश्तनी ज़मीन है जो पट्टासुदी, इनके पास मांग के उन्होंने काश्त की थी। ये दयालु व्यक्ति है, इनके दूसरे भी खेत थे, ये उसका छोटा बच्चा है, ठीक है। इसके पास मजदूरी करने के लिए बच्चे थे नहीं, ज़मीन पड़ी थी, इसलिए उन्होंने मांग के काश्त कर ली। अभी इन्होंने ज़मीन उनको छुड़वाई, उसके बाद में क्या हुआ, उन्होंने झगड़ा किया SC ST का, कई हमारे इन्होंने ज़मीन जो खरीदी है 36 बीघा, इनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज करवाया है, इनको मारपीट भी की गई है, थाने के अंदर मुकदमे दर्ज करवाए हैं और तहसील गडरा रोड के अंदर भी कार्रवाई 3 बार सीमा ज्ञान हुई है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैंने इनका साथ दिया तो मेरे खिलाफ ये 50 लोग से अधिक झगड़ा किया गया है, जो मैंने थाने में भी रिपोर्ट दर्ज करवाई है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज किससे मिले हैं आप लोग? आप आज हमें आए हैं जिला कलेक्टर से और SP साहब बाड़मेर। ठीक, की नाम है तारो? अमर। अमर की मामलो है? मामलो जमीन रो की है, जमीन माँ जी है, 36 बीघा ये माला नहीं बेच लच्छी बानी है, लाली जमीन मान लिए अपने 44 बीघा, और मेघवाल खड़े पेल कहने के तेज से कोई ऐसा जो कोई गवर्नमेंट को नहीं, यहाँ और खड़ी बाजरी बाजरी महीना बाजी जाए गुआर मेरे मान ढक्कन हुआ मेघवाली, 3-4 ढक लगाए गोडे में ढक लगो, 50 जमीन है मान जी खड़न देखो, मान गाँव है केले नहीं जीने बस्ती में जमीन है, मान नो अमर दिन अमर बच्चों जिला छोटो बच्चों है, बच्चों मान हुआ है, बाकी सारी बच्चियाँ हैं, छोटा बच्चा है, गरीब है, गरीब लोग है साहब, एक बच्ची लुगली है यार साहब, कोई खेती बाड़ी थे को नहीं, और ये झगड़ो करे हूँ गरीब आदमी है, आपसे कोई मिलान करती साथियों। इनका मामला, इनकी काश्तानी ज़मीन है जो जिन्होंने इन्होंने खड़ने के लिए दी थी, अब वो मालिकाना हक कर रहे हैं, तो उसको लेकर इनकी पट्टा सु ज़मीन है, तो उसको लेकर ये कलेक्टर को ज्ञापन देने आए हैं ग्रामीण। और ये कैसे करते हैं? एक बार शेयर कर दो साथियों। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल हक है। अब्दुल हक जी, आपने 36 बीघा जमीन किससे ली थी? अमर अजीजुल्ला, मोकमदीन अजीजुल्ला, इस्माइल अजीजुल्ला। हाँ, फिर अब क्या हुआ? से हमने 2004 में रजिस्ट्री करवा के हमारी जमीन खरीदी थी। हाँ। और वो जमीन हमने इन्हीं को वापस जोतने के लिए दे रखी थी, हम देरासर में रहते हैं, ठीक है, वहाँ जाना आना जाना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल रहा। हाँ। इसलिए हम वहाँ नहीं जा पाए, इनको भाइयों को दे रखी थी। हाँ। इनसे हमने खरीदी थी, उनकी भी जमीन वहाँ मौके पे थी। हाँ। और हमारी भी उनके साथ थी जमीन। हाँ। अभी वहाँ पे मेघवाल समाज के कुछ लोग हैं जीने की बस्ती के, उन लोगों ने उसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश की, जिन्होंने इन्होंने उनको जोतने के लिए दी थी उन लोगों ने। तो फिर हमने उसका सीमा ज्ञान का आदेश करवाया, सीमा ज्ञान करवा के पटवारी ने पुलिस के साथ में जाके वहाँ सीमा ज्ञान किया और हमारी जमीन नाप के दी। और नापने के बाद हम वहाँ 5 दिन तक रुके और खेत के अंदर हमने एक झोपड़ी वगैरह बनाई, खेत की साफ सफाई की। रिश्ते में वो मेघवाल समाज के लोग कुछ लेडी से लेकर SC ST का झूठा मुकदमा बनाने के वजह से चक्कर से एक राय होकर हमारे खेत में आते हैं और हमारे से झगड़ा करते हैं। अब आप क्या चाहते हो? अब हम तो न्याय चाहते हैं कि हमारी खातेदारी जमीन हमें मिलनी चाहिए। हाँ, तो आज क्या, आज यहाँ किससे मिलने आए? कलेक्टर महोदय से और जनाब SP साहब से मिलने आए कि हमें हमारा न्याय दिलाया जाए, जो हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं, SC ST के झूठे मुकदमे बना के हमें फंसा रहे हैं, मुकदमों से हमें बचा कर और हमें हमारे साथ न्याय किया जाए और हमें हमारी खातेदारी जमीन दिलवाई जाए। ठीक है।